जशीन जी, आपका घमासान के मामा साहित्य मंच और घमासान के कार्यक्रम में स्वागत है जी। और आज आपसे थोड़ा सा महिला, इस समय जो समकालीन हिंदी महिला लेखन जो चल रहा है जी, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं जी? विषय तो यही है, कल बोलना भी है। मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है, मेरी पॉजिटिव कि एक तरह से ये तो साहित्य का स्त्रीकाल है। मैं कहूँगी इतनी विपुल मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है और महिला कथाकार जो है वो बहुत लिख रही है, बहुत आगे बढ़कर, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं खुद इनमें शामिल हूँ और जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो पूरा जो एक हमारी यंगीन चेतना है बदलते समय के साथ, उसे उसकी पूरी उसकी धमक को हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से विषय बहुत ही व्यापक है। मैं अगर बहुत कम शब्दों में समेटूँ तो मैं ये कहूँगी कि मुझे तो बहुत उम्मीद है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और रचा जा रहा है। जो अभी जो आपका एक उपन्यास आया वो सुन्नत प्रथा पर जी, उसमें आपने थोड़ा एक किस्म का अछूता विषय है जी, उस पर आपने क्या कहना चाहा? देखिए विषय बहुत अछूता है बिल्कुल, लेकिन ये मेरे मन का विषय था। बहुत पहले से इसके बारे में मैं पढ़ती आई हूँ और मैंने महसूस किया, हालांकि हमारे देश में ये प्रॉब्लम बहुत कम है, बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से ये किया जाता है। कुछ समुदाय है भारत में, जैसे हैदराबाद के पास बोहरा समाज है, वहाँ औरतों के साथ ये किया जाता है, लेकिन वो बहुत प्रतीकात्मक ढंग से, सांकेतिक ढंग से, इतना उसमें इतना विभत्स नहीं है। लेकिन विदेशों में, खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसमें औरतों के साथ ये इतनी बुरी तरह से किया जाता है। और आपको शायद पता नहीं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों को इतना पता नहीं, लेकिन मिलियंस ऑफ औरत जो है, FGM जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो विषय है, इससे लाखों औरतों का जीवन प्रभावित है। और इस पर बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, हमारे देश में इतना नहीं है इसलिए हम लोग इतना जानते नहीं हैं। तो इस विषय को मुझे लगा था कि औरत की इस तकलीफ को हम अपने लोगों तक भी पहुँचाए। हिंदी में ये पहला उपन्यास है इस विषय में और इस विषय पर, और लोगों के लिए बिल्कुल नया विषय है। बहुत कोई चौंकते हैं कि ऐसा होता भी है, लेकिन बखूबी होता है। अगर आप गूगल में सर्च करें तो आप पाएंगे कि विषय कितना विषद है और दुनिया में इस पर तो इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है। तो मुझे खुशी है कि इस विषय को मैं देश में भी ला पाई और लोग पढ़ रहे हैं और इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है जी। आपने हिंदी को लेकर भी कुछ कमेंट्स की हैं, तो हिंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हिंदी लेखन और हिंदी की मौजूदा स्थिति को लेकर? देखिए मैं खुद हिंदी में लिखती हूँ, मेरी भाषा बंगला है, मातृभाषा, लेकिन और मैं गोवा में पढ़ी लिखी हूँ अंग्रेजी माध्यम से, पूरा माहौल हम लोग हिंदी बोलते हैं, गोवा हिंदी भाषी क्षेत्र है। लेकिन सुन के शायद आपको नाटकीय लगे, लेकिन ये एक देश प्रेम की बात है। हिंदी प्रेम जो है वो देश प्रेम की बात है। अगर हम अपने बृहत्तर समाज के साथ जुड़ना चाहें, अपने लोगों से संवाद करना चाहें, तो मुझे लगता है हमें हिंदी में ये बात करनी चाहिए। हिंदी को लेकर जो बात अभी आपने कही कि जैसे मैं ये जानना चाहता था कि जो हिंदी की आज की स्थिति, मतलब हिंदी की स्थिति एक अलग बात हो गई और हिंदी लेखन को लेकर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो, उनका जो रिस्पांस है वो क्या है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं हिंदी में लिखती हूँ, हालांकि मैं बंगला भाषी हूँ और गोवा से हूँ, मेरी पढ़ाई भी अंग्रेजी माध्यम से हुई है, लेकिन हिंदी हमारे परिवार में बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है। जैसे बचपन से जो मेरा साहित्य का नींव जो पढ़ा, उसमें ये था कि मेरे पिताजी की बहुत लाइब्रेरी थी बड़ी, और जिसमें से बंगला और अंग्रेज़ी की किताबें हुआ करती थी, तो
तो हम वो पढ़ते हुए बड़े हुए, लेकिन फिर चूँकि बिहार में कुछ देर रहना हुआ तो हिंदी के प्रति एक नेचुरल आकर्षण जो जिसे कहते वो डेवलप हुआ। और फिर हम गोवा में आए, वहाँ हमने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की। लेकिन मुझे लगता है जब लिखने की बात आती है कि हम अपनी बात अपने लोगों तक अपनी भाषा में ही पहुंचा सकते हैं। और हिंदी का जो बृहत्तर समाज है, अगर हम अपने देश की बात करें तो हम इन लोगों तक पहले पहुंचना ज़रूरी है। मैं बंगला में लिख सकती थी, मैं अंग्रेज़ी में लिख सकती थी, लिखती हूँ, लेकिन मुख्य रूप से मैंने हिंदी को ही चुना कि मुझे लगा कि अपनी बात अपने लोगों तक मुझे अपनी भाषा में, अपने हृदय की भाषा में पहुँचानी है। और ये एक देश प्रेम की भी बात है कि हिंदी देश एक समाज, पूरे हमारे समाज से जुड़ी हुई भाषा है, तो हिंदी मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस थी। लेकिन जब मैं रवैया देखती हूँ लोगों का, तो मुझे बहुत दुख होता है कि जो स्वयं हिंदी भाषी हैं वो भी हिंदी को इतना महत्व नहीं देते हैं। और एक तरह से हिंदी ना जानना आजकल एक सम्मान की बात है। जब आप गलत हिंदी बोलते हैं तो दिखता है कि आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको हिंदी नहीं आती है। मैं इस बात को समझ नहीं पाती हूँ। हिंदी, अपनी भाषा को जानना, ये आत्मसम्मान की बात है, अपने परिचय की बात है। और मैं तो बहुत प्राउड हूँ, जिस तरह से बंगला मुझे बहुत प्रिय है, हिंदी मुझे इसलिए प्रिय है कि ये हमारी देश की भाषा है, अधिकतर लोग इसे बोलते हैं। तो इसे हमें सिर्फ सरकारी रोज़गार की भाषा वो नहीं है, लोग कहते सरकार करे, लेकिन भाषा समाज की होती है, तो समाज उसे जब तक नहीं अपनाएगा, सिर्फ सरकारी कानून नियम बन जाने से भाषा उन्नति करेगी? हम जब तक घर में नहीं बोलेंगे, आपस में नहीं बोलेंगे, अपना व्यवहार हिंदी में नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि भाषा उन्नति नहीं कर सकती है। तो मेरे लिए, मेरे बच्चे हिंदी बोलते जो गोवा में हैं, वो 5 भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हिंदी फ्लुएंट बोलते हैं। मेरे परिवार के सारे लोग यूरोप में हैं, उनके बच्चे विदेश से आके वो हिंदी सीख के जाते हैं। तो हमने 2 नियम बनाए, घर में हम हमेशा बंगला में बात करते हैं और हिंदी में जहाँ तक हो सके हम हिंदी का व्यवहार करते हैं। और मैं खुद तो हिंदी में लिखती ही हूँ। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों जो लेखन का विस्फोट हो रहा है जी, तो उसको लेकर आपको नहीं लगता कि ये भी तो हिंदी में ही हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जहाँ देखो वहाँ फेसबुक से लेके और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से लेके तमाम अन्य भी जो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उन पर बहुत कुछ लेखक लेखिकाएं हजारों की संख्या में एक्टिव हो गए हैं जी, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, ये एक बहुत अच्छी बात है एक तरफ से कि हर कोई प्रकाशक बन गया है, सभी खुद को प्रकाशित कर रहे हैं, सबको मौके मिल रहे हैं। लेकिन इससे ये बात भी होती है ना कि जो क्वालिटी है वो कहीं से गिरने लगी है, क्योंकि जब बहुत विपुल मात्रा में चीज़ें लिखी जाती है, रची जाती है, तो उनमें फिर हमें चयन करना पड़ता है। मैं उस दिन भी किसी से कह रही थी कि इतना कुछ जो लिखा जा रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन जो लेखक है वो अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही लिखता है, उसकी कोशिश तो उसकी जो मंशा है वह अच्छी है। लेकिन हमें ये बात भी है कि चूँकि बहुत हर कोई आगे है, अब कोई संपादक नहीं है जो रचना को, उसकी गुणवत्ता को जांचे, या कोई जांच देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है, तो अपनी मन की कर रहे हैं, तो हर तरह की चीज़ सामने आ रही है। लेकिन इसी में अगर हम पॉजिटिव हैं, हम देखें तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और मेरे लिए लगता है कि ये कोई गलत दिशा में बात तो हो नहीं रही, लोग रच रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी अगर कुछ कम भी हो, लेकिन एक पॉजिटिव दिशा में बात तो हो रही है कि लोग साहित्य रच रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है भाषा की, तो वो बहुत एक चिंता की विषय है, क्योंकि आप अगर देखें फेसबुक में अच्छे से अच्छे लोग, या तो वे बहुत लापरवाह हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो हिंदी में उनकी जो हिज्जे अशुद्ध लिखते हैं, आप अगर पढ़ेंगे बहुत निराशा होती है। कई बार तो बहुत बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग भी जब पोस्ट डालते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि हमें थोड़ी सी सावधानी, जिस भाषा में हम स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं, अगर उसी के प्रति हम सावधान नहीं हैं या वही शुद्ध नहीं है, तो इस पर तो ध्यान, मैं खुद सीख रही हूँ, मैं
हम सब विद्यार्थी हैं, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। ये लापरवाही जो है ये मुझे कहीं से निराश करती है। जो आपके चार उपन्यास आए हैं जी, तो चार उपन्यासों की जो अलग अलग पृष्ठभूमि है सभी की जी, तो उनके रिस्पांस को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मैं एक हिंदी भाषी क्षेत्र में रहती हूँ, गोवा में रहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना था साहित्य समाज इसकी राजनीति के बारे में, लेकिन सच कहूँ तो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वह बहुत सकारात्मक है। मैं किसी को नहीं जानती, मेरी कोई पहुँच नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है सो कॉल्ड। मैं अपने घर में लिखती हूँ और बस पहले पोस्ट कर देती थी, संपादकों को अभी ईमेल कर देती हूँ और बस इतना ही करती हूँ। लेकिन शुरू से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला और अधिकतर प्रकाशक जो हैं खुद ढूंढते हुए मेरे पास आए। मैं सुनती हूँ कि पैसे लेकर लोग छापते हैं, नए लोगों को, नवोदितों को बहुत तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है अगर आप मन से लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो उसे अप्रिशिएट करने वाला करने वाले लोग बहुत हैं। मेरी अपनी राय ये है, मैंने चार उपन्यास लिखे, मेरी एक उपन्यास अभी दर्दजा पर जो सुन्नत प्रथा पर है उसमें मेरे ख्याल से 15 या 16 PhD हो रहे, और बाकी उपन्यासों पर भी इतने सारे बच्चे खुद ढूंढते हुए आ रहे हैं। इसके साथ इतने पाठकों के फ़ोन आ जाते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में। जी, ये जो इंदौर में आप आए हैं जिस कार्यक्रम में जी, तो पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई थी जी, उस समय भी काफ़ी लेखिकाएं आई थी, अचला जी थी, मशरा नागर जी, उषा किरण खान जी थी, और इस तरह से मतलब काफ़ी नेहा शरद जी थी, काफ़ी थे जी। तो आपको क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से क्या इनकी क्या सार्थकता है? देखिए, पिछले साल भी मुझे बुलाया गया था, मेरा दुर्भाग्य कि मैं आ नहीं पाई थी अपनी तबीयत की वजह से, और ज्योति जी ने इतने स्नेह आग्रह से मुझे बार बार बुलाया कि इस बार मुझे आना ही पड़ा। मेरे पति बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़ के मेरा साथ, क्योंकि मैं अब अकेली ट्रैवल नहीं कर पाती अपनी तबीयत की वजह से, तो वो आए। देखिए, ऐसे कार्यक्रम इनकी सार्थकता तो है, जो इतने सारे लोग आते हैं, एक सही दिशा में सब बात करते हैं, एक अवेयरनेस आता है, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, साहित्य के प्रति एक अवेयरनेस लोगों में आता है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हम खुद गोवा में कई सारे कार्यक्रम ऐसा करते हैं, और साहित्य का जितना प्रचार प्रसार हो वो उतनी अच्छी बात है, लोगों में एक जागरूकता आए। आजकल तो लोग पढ़ कम रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों से मुझे लगता है कि इस दिशा में एक बूस्ट मिलता है, तो होने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.